हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अपनी जो कार है उसके अंदर में फॉग लैंप को खुद किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये कार i10 है, ओल्ड मॉडल फर्स्ट जनरेशन। अब i10 की जो फर्स्ट जनरेशन है और उसका जो फेस लिफ्ट है उसके अंदर में आप खुद से इजीली फॉग लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉग लैंप नहीं थे, ये मैंने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप लोग भी इसके अंदर में फॉग लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वायरिंग का भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बम्पर खोलना है, हमें वो दिखाऊंगा आपको किस तरीके से खोलना है हमें, तो देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले हम अपने हुड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो नट्स हैं, ये बटन वाले जो नट्स होते हैं प्लास्टिक के आते हैं, आपको बाहर से मिल जाते हैं इसलिए, सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं सबको, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ओपन कर लेते हैं हम सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 इस तरीके के हैं, इन सबको मैं ओपन करता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये वाले मैं खोल चुका हूँ, आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। अब ये खोलने के बाद में आपको 10 नंबर का चाबी पाना लेना है, ठीक है। अब ये दो नट खोलने हैं कि ये देख सकते हैं, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये खुल गया 10 नंबर का, दूसरा ही सबसे बर्ड की आवाज आ रही थी चिड़िया की, अब नहीं आ रही। तो ये दो खुल चुके हैं, अब आगे से हमारा लूज हो चुका है, ये देख रहे हैं लूज हो चुका है। एंड अब मैं साइड से खोलूंगा इनको, साइड से यहाँ सब इनको ओपन करूंगा एंड उस तरफ से भी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इनको साइड से मैं ओपन करूंगा अब, ताकि मेरा पूरा बम्पर बाहर आ सके। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉग लैंप को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटे जो एक बटन थे वो भी खोल लिए हैं 10 नंबर का, या तो बोल्ट लगे थे वो भी हम खोल चुके हैं। अब साइड से मैं बम्पर को यहाँ से रिलीज करूँ, यहाँ पे पेच लगे हुए हैं दो, तो यहाँ से ओपन करने के बाद में पूरा बम्पर हमारा खुल जाएगा। बम्पर को खोलने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉग लैंप को हम किस तरीके से इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे एंड फॉग लैंप के साथ साथ आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा। एंड एक मेन बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने इसके अंदर में जो वायरिंग की है वो मैंने ली है इसकी पार्किंग लाइट से, ताकि जब मैं गाड़ी की हेडलाइट ऑन करूँ तो मेरे फॉग लैंप भी चले। कार की विजिबिलिटी थोड़ी कम है, इसलिए मैंने इसके कनेक्शन फॉग लैंप के लाइट के साथ ही इसलिए कर दिया, ताकि मेरे को विजिबिलिटी ज़्यादा मिल सके। तो साइड से ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो हम अपने बम्पर को लूज करेंगे एंड नीचे मैंने कवर करने के लिए, ताकि बम्पर नीचे खराब ना हो, पेंट ना हटे। अगर आपकी कार का पेंट ज़्यादा ठीक ठाक है और उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है, तो आप ज़रूर नीचे कुछ कवर करने के लिए रख लें, ताकि आपके स्क्रैचेस ना लगे। तो गाइस देखिए बम्पर खुल चुका है एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने बम्पर के अंदर में लाइट को कैसे फिक्स करें। ये जो 4 बोल्ट हैं इसको हमें लगाना है एंड आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ इस मॉडल में आपको कौन से तरीके के फॉग लैंप ऑर्डर करने हैं। एंड ये फॉग लैंप अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे अमेज़ॉन से, तो आपको 700-800 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली एक बार लगा और उसके बाद में किसी चीज़ को आप फ्रेशली लगाएंगे तो उसमें आपको इतना टाइम और मेहनत नहीं लगती जितना कि एक काम पहले कर चुका उसको खोल के फिर दोबारा से लगाने में आपको टाइम लगेगा एंड मेहनत लगेगी, जिसे मुझे लग रही है। देखिए गंदी हो रखी है इस वक्त लाइट। ये मॉडल ये साइड में ये होने चाहिए, ये देखिए
साइड में ये इस तरीके से होने चाहिए फॉग लैंप। अभी ये गंदे हो रखे हैं। तो ये मॉडल जो कार है उसके अंदर में इस तरीके के फॉग लैंप लगेंगे, जो सिर्फ ये वाले आते हैं वो मत लेना, उसके साथ में ये भी अटैच होने चाहिए। तो ये वाले हमको लगाने हैं, तो आपको पास से दिखाता हूँ इसको किस तरीके से लगाएंगे। सो गाइज, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो छोटे वाला है इसके अंदर दो पोर्शन है, एक मेटल का है और एक प्लास्टिक का है। जो प्लास्टिक वाला है वो हमारे बम्पर के ऊपर की साइड में आएगा एंड इसको चार पेज से हम कवर करेंगे। स्टार्ट मैंने जब लगाई थी मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसको किस तरीके से लगाना है। सो मेटल का पोर्शन जो बड़े वाला एरिया वो नीचे एंड जो छोटा है प्लास्टिक का वो ऊपर आएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको उधर वाला फॉग लैंप भी लगाना है। ये देखिए सेम ये तरीका है, प्लास्टिक वाला पोर्शन ऊपर आएगा एंड जो नीचे की तरफ है ब्लैक में मेटल में ये ऊपर की तरफ आएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, और नीचे वाला भी दिखाता हूँ आपको। ये मेटल वाला ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ गाड़ी के नीचे की तरफ जहाँ टायर्स होते हैं। सो एंड इसको फिक्स करने के बाद देखिए आप, इसके अंदर में जो आपके हेडलैम्प होंगे जो बल्ब होंगे आपको ये वाले बल्ब यूज़ करने हैं एंड ये आपको लोकल मार्केट से ही मिल जाएंगे एंड अमेजोन से ही मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा मैं। सो ये हो चुका है। अब ये वायरिंग किस तरीके से करिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेम देखिए क्या होगा। इसका जो एक वायर है, दो वायर इसमें से जाएंगे, दो उसमें से, उनमें से एक वायर को आपको सीधा एक वायर से कनेक्ट करना है, दूसरी को दूसरी से कनेक्ट करना है। उसके बाद करना सिंपल सा ये, जो एक नेगेटिव कोई सी भी एक वायर को ले लीजिए आप, उसमें से एक नेगेटिव वायर हो जाएगा एंड दूसरी वायर पॉजिटिव हो जाएगी आपको। इस तरीके से मैंने क्लिप लिया, मार्केट से भी मिल जाएगा आपको, बाहर से भी मिल जाएगा एंड ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा अमेजोन के डिस्क्रिप्शन का, तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से सॉकेट लगा करके आप ये वायरिंग दे सकते हैं। ये वायरिंग का मेनली हमारा फंडा ये है कि एक वायर देखिए आप, पास आकर के दिखाइए, आप दिखाता हूँ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जो एक वायर है वाइट रंग वाली ना है, यहाँ से होकर के इधर मैंने बॉडी में दी है, ये देखिए ठीक है, ये नेगेटिव वायर होगी अर्थिंग वायर। ये एक वायर हमारी इससे कनेक्ट होगी, इसको नेगेटिव मिलेगा एंड जो दूसरी वायर है ये जा रही ब्लैक वाली, ये वाली वायरिंग। सो गाइस मैं पहले बम्पर को फिट करता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ हेडलाइट खोल करके कि मैंने जो एक वायर ली पॉजिटिव की, जो कि मैंने इस कार की पार्किंग बल्ब जो होता है ये छोटा बल्ब आपको दिखाई देगा हेडलाइट, उसके साथ में ली हुई है ताकि मैं अंदर से जब हेडलाइट को ऑन करूँ पार्किंग के साथ में मेरे फॉग लैंप भी जल जाए। तो आपको दिखाता हूँ मैं पहले इसको फिट करके, जिस तरीके से ओपन किया था उसी तरीके से इसको हम फिट कर देंगे, सेम प्रोसीजर है आई थिंक। ये तो देखने के लिए आपको इतनी कोई खास नीड नहीं होगी, तो इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हेडलाइट से आपको एक जो पॉजिटिव वायर यहाँ से निकाला है मैंने, उसको किस तरीके से आपको भी जोड़ना है। सो गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं कि 10 नंबर के नट से हमें हेडलाइट खोलनी है, ये वाली एक पीछे एक अंदर की तरफ पेज है। इन तीनों को खोलने के बाद में, इन तीनों को खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने पॉजिटिव वायर का कनेक्शन है फॉग लैंप का वो किधर किया है। एक शाम हो गई है काफ़ी, अब धीरे धीरे करके अंधेरा होता जाएगा एंड वीडियो में क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको खोल के आपको दिखा सकूँ एंड जो इसकी वायरिंग है इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा एक पेपर पे बना करके, वो भी वीडियो में मैं डाल दूंगा जिससे कि आप लोग इजीली समझ पाएं। मैंने इधर की तरफ वायरिंग में दिया है, आप उधर की हेडलाइट में भी दे सकते हैं, वो वाली हेडलाइट के पास में आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ये खुल चुका है। पास से लेके
देखिए आपको दिखाता हूँ मैं खोल करके कि मैंने वायरिंग कैसे की है। वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को। सो गाइस देखिए, मैंने सबसे पहले इसको इस तरीके से ओपन किया, क्लिप होती है, खुल जाता है। इसमें जो हमारी ये वाली वायर है वो पॉजिटिव की है, जो ब्लैक वायर है वो मैंने यहाँ से कट करके ली है। कुछ लोग बोलेंगे कि कटिंग नहीं करनी चाहिए एंड सो ऑन, बट कार की वारंटी निकल चुकी है तो कोई इशू नहीं होगा आपको कट करने में कि कौन से कलर की वायर है, ताकि आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक ना करना पड़े। एक्चुअली मैंने तो मल्टीमीटर से चेक करके फिर इसको ओपन किया था, फिर इसके कनेक्शन दिए थे ताकि स्पेसिफिकली जो मेरी लाइट है ये कार की पार्किंग बल्ब से चल सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये ब्लैक वायर जो वहाँ से आ रही थी इसको मैंने वायर को जोड़ा है इस वाली वायर में, जो ये हमारी पिंक कलर की वायर है। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो पिंक कलर की वायर है, ये देखिए पिंक कलर की वायर जो है इस वाली पिंक वायर में जोड़ना है इस वाले हमारे ब्लैक वायर। ये जो हमारी पिंक वायर है ये हमारे स्मॉल जो पार्किंग बल्ब है उनकी है। जैसे ही हम अंदर से ऑन करेंगे लाइट के लिए घुमाएंगे उसको, वैसे ही हमारे पार्किंग इनके साथ में वो बल्ब भी जल जाएंगे। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कार के इसी वाला बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि मैंने इसके वायर हटा रखी, बाकी फॉग लैंप जल चुके हैं। ये देखिए ये वाला भी जल गया एंड वो वाला भी जल गया। एक बार अब आपको बंद करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्विच के साथ में चलते हैं एंड किस तरीके से बंद होते हैं। सो गाइस देखिए, दोबारा चालू करिए, आपको और दिखाता हूँ मैं अभी कि कौन सा स्विच की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, अब इसको बंद करेंगे, बंद करो, अब चालू करो। सो इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है, दिखाऊंगा मैं एक बार इसको ऐसे ही टेम्परेरी बिना आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए मैंने तार लगा दिया, चालू करो, चालू। ये देखिए बंद कीजिए, कार के सिर्फ पार्किंग बल्ब जल रहे हैं, अब चालू करो। ये देखो बंद कर दो। सो गाइज, जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया इसको मैं टेप वेप लगा के फिर से बंद कर लूँगा। सो इस तरीके से आप भी अपनी कार के अंदर में खुद सेल्फली फॉग लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वायरिंग कटिंग का ऐसा कोई मेन इशू तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वायरिंग कटिंग करने से कहते हैं लोग वारंटी आउट हो जाती है, वो ठीक है। उसके लिए भी आपको एक मैं इमेज अभी वीडियो में डालूंगा, उस स्प्लाइसर होता है वो आप सेम इधर वायर खोल करके उसको क्लिप की तरह टच कर सकते हैं, वो उससे वायर हल्का सा वायर में वो अटैच होगा एंड तभी आपको लगता है वारंटी कुछ इशू आएगा तो उसको खोलेंगे तो आपको कट का निशान नहीं दिखाई देगा वायर, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी मुझे तो ये कनेक्शन फॉग लैंप के पार्किंग बल्ब के साथ ही बेटर लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। एंड अगर आप स्विच अंदर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको जो ब्लैक वाली वायर वो यहाँ से हुड में अंदर से ले जानी पड़ेगी, हुड से अंदर से वायरिंग करेंगे आप तो आपको अंदर जाकर के वो वायर मिलेगी एंड उसको आप स्विच लगा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर तरीका ये है, मेनली हमें फॉग लैंप की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब फॉग पड़ता है, ठीक है, एक फॉग पड़ता है एंड दूसरा हाईवे पर जब रास्ता ख़राब हो, पीछे टूटा हुआ रास्ता हो, वहाँ पर हमें फॉग लैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद से फॉग लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। एंड जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से कि किस तरीके के प्रोडक्ट हैं एंड अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप उसे मंगा भी सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।